तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेज मालपुरा पर। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान के कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक और प्रमुख लोक देवता देव नारायण जी के बारे में। देव नारायण जी के बारे में बात करें तो देव नारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज। पिता का नाम क्या था? सवाई भोज। सवाई भोज। माता का नाम सेडू खटाणी। माता का नाम सेडू खटाणी। कुछ जगहों पर सेंदू भी मिलता है, बाकी मूल जो नाम है वो सेडू खटाणी है। पत्नी थी इनकी, पत्नी पीपल दे, पीपल दे। घोड़ा था इनका लीलागर, घोड़ा लीलागर। पिता का नाम सवाई भोज, माता सेडू कटाणी, पत्नी पीपल दे और घोड़ा लीलागर। अब हुआ क्या, जो पिता थे वो बिनाय, जो वर्तमान में अजमेर है। बिनाय वर्तमान में कहां पर है? अजमेर में। अजमेर में यहां के शासक से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को प्राप्त कहां के शासक से? बिनाय अजमेर के शासक से लड़ते हुए। जब ये वीर गति को प्राप्त हुए तब जो सेडू खटाणी इनकी माता थी वो गर्भवती थी। गर्भवती थी, जब इनको पता चला कि वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं तो सेडू खटाणी यहां से रवाना हुई अपने पीहर के लिए। और पीहर कहां था इनका? देवास मध्य प्रदेश में। लेकिन बीच में एक जगह आती है आसिंद, आसिंद भीलवाड़ा। और इस जगह पर देव नारायण जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। जन्म कहां हुआ? आसिंद भीलवाड़ा में। और यहां से ये सीधे कहां चले गए? देवास। देवास जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, यहां पर हुआ इनका लालन पालन। लालन पालन देवास जो था ये इनका क्या था? ननिहाल। यहां पर लालन पालन हुआ। और इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम उदय सिंह। उदय सिंह बचपन का नाम उदय सिंह था। पिता सवाई भोज जो बिनाय के शासक से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। माता जब देवास मध्य प्रदेश में जा रही थी अपने पीहर, तो बीच में आसिंद में भीलवाड़ा, जो कि वर्तमान भीलवाड़ा जिले में है आसिंद, वहां पर इनका जन्म हुआ। और देवास मध्य प्रदेश में इनका लालन पालन हुआ ननिहाल में। यहां पर इन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा ली। किसकी शिक्षा ली? आयुर्वेद की शिक्षा। कहां पर ली? ननिहाल में। इसके बाद कहते हैं कि ये वापस राजस्थान में आए और बिनाय के शासक को मारकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। बदला लेने के बाद के हम घटनाक्रम पर देखें तो इसके बाद इन्होंने गाय के गोबर, गाय के गोबर व नीम का औषधीय महत्व बताया। नीम का क्या बताया? औषधीय महत्व। कहते हैं कि नीम की जो कच्ची पत्तियां होती है उसको खाने से शरीर का खून साफ होता है, ब्लड के अंदर कोई इंफेक्शन नहीं रहता। इसके अलावा नीम की जो डंडी होती है उससे मंजन भी किया जाता है। तो गाय के गोबर से, गाय के गोबर और नीम का जब औषधीय महत्व इन्हें बताया तो इनको क्या कहा गया? आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद के, आयुर्वेद के ज्ञाता। इसके अलावा विष्णु का अवतार इन्हें माना गया, विष्णु का अवतार। ये इनके मुख्य उपनाम हो गए। इनके दादाजी का नाम था बाघ सिंह। दादाजी बाघ जी, ये इनका नॉर्मल परिचय। इसके अलावा हम बात करेंगे अब इनके प्रमुख मंदिर कहां पर।
हम बात करें प्रमुख मंदिरों की, तो देखो इनका जन्म कहां हुआ था। मंदिर देव नारायण जी के मंदिर, तो इनका जन्म हुआ था आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा में जन्म हुआ, तो एक मंदिर तो आसिंद भीलवाड़ा में हो गया। यहां पर मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है, ईंटों की पूजा। और इन्होंने औषधीय महत्व किसका समझाया था, नीम का, तो नीम की पत्तियों से पूजा, नीम की पत्तियों से पूजा कहां पर, आसिंद भीलवाड़ा। दूसरा, इनकी मृत्यु हुई थी देवमाली गांव, देवमाली ये है वर्तमान ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर देवमाली गांव में इनकी मृत्यु हुई, तो एक मंदिर यहां पर, इसको बगड़ावतों का गांव भी बोलते हैं। देव कौन से गुजर थे, ये बगड़ावत गुजर थे, बगड़ावतों का गांव। इसके अलावा ये मेवाड़ के एक शासक हुए, प्रबल प्रतापी शासक, राणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। राणा सांगा के देव नारायण जी आराध्य देव थे। अब राणा सांगा ने मेवाड़ पे शासन किया, तो इनका तीसरा मंदिर राणा सांगा ने बनवाया देव डूंगरी, देव डूंगरी, और ये कहां पर है, चित्तौड़। मंदिर निर्माण किसने करवाया, राणा सांगा ने, राणा सांगा, जिनका मूल नाम राणा संग्राम सिंह है। इसके अलावा एक आता है देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया, जोधपुरिया, और ये कहां पर है, टोंक जिले में, जो वनस्थली विद्यापीठ है उसके पास में ही है देवधाम जोधपुरिया। ये तो हो गए इनके प्रमुख मंदिर। अब इनका मेला कब लगता है, तो इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को क्या लगता है, देव नारायण जी का मेला। देव नारायण जी की फड़, फड़ की बात करें तो 1992 में, 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, ध्यान रखना, डाक टिकट किस पर, देव नारायण जी की फड़ पर। इस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है देव नारायण जी। इसके अलावा इनकी जो फड़ है वो सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी और सबसे लंबी, सबसे लंबी। देखो फड़ क्या होती है, एक ये कह दो कि चित्रांकन होता है कागज पर, यानी चित्र बना दिए जाते हैं, यहां ये चित्र, और उसी चित्रों के अनुसार है, उसी चित्रों से गोपे जो होते हैं उसका वाचन करते हैं, उसका जीवन जीवनी बताते हैं, वो होती है फड़। तो सबसे पुरानी सबसे लंबी फड़ देव नारायण जी की। इसके अलावा फड़ का वाचन, पढ़ेगा कौन, तो इनको पढ़ते हैं गुजर जाति के भोपे, गुजर जाति के भोपे, किस वाद्य यंत्र के साथ, जंतर वाद्य यंत्र के साथ, जंतर वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन करते हैं गुजर जाति के भोपे। तो ये हुए हमारे देव नारायण जी। मंदिर प्रमुख आसिंद, देवमाली, देव डूंगरी, देवधाम जोधपुरिया। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। फड़ सबसे पुरानी सबसे लंबी। यहां पर कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन अगर पुटअप होता है किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है, तो देव नारायण जी है। इसके अलावा इसकी फड़ जो वाचन करते हैं उनको बोलते हैं भोपे, तो किस जाति के भोपे, गुजर जाति के, गुजरों की विशेष आराध्य देव है, क्योंकि इनका जन्म किस जाति में हुआ, गुजर जाति में, बगड़ावत हो। जंतर वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ पड़ी जाती है। तो ये थे हमारे एक लोक देवता देव नारायण जी। अब देखेंगे अगले वीडियो में और भी लोक देवताओं को। तब तक के लिए धन्यवाद।